तो बर्दाश्त करना फिर तमीज तो नाज़रीन आज नाज़रीन इन जैसे लोगों के पास न्यूज़ टुडे की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा बट। नाज़रीन आज बहुत ही अहम दिन था और जुम्मे का दिन वैसे भी मुसलमानों के लिए बड़ा मीठा और मुबारक दिन होता है। आज माशाल्लाह बच्ची हैरो आफियत से अपने घर चलेगी। 9 महीने बाद आज समझे बच्ची का दूसरा जन्म हुआ है। 9 महीने बेचारी अजियत में रही, खुद भी और वालदैन भी अजियत में रहे। तो आज मेरे हिसाब से तमाम वालदैन के लिए बड़ा खुशी का दिन है। एडी साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनसे पूछेंगे क्या ये भी आज खुश हैं कि हमेशा की तरह मुनाफ़त इनके अंदर अभी भी है। क्या अभी भी ये मुनाफ़त वाली बातें करेंगे? क्या आज ये दिल से खलूस से मेहदी साहब को मुबारक देंगे या नहीं देंगे? पूछते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बट साहब पहले नंबर पे खाली जनाब वालद मोहतरम को ही नहीं मुबारक, आप जैसे तमाम उन झूठे और मुक्कारों को भी मैं पेशगी जो है ना वो मुबारकबाद भी देता हूँ। आप तो मेरे पास चलकर आ भी गए हैं और ये आपका बड़ा पन है और मैं आपके हौसले की हिम्मत की दाद देता हूँ कि आप मुंह उठा के आ जाते हैं। और आज देखें मेरी बात सुने कि आज जिस मौक़िफ की बात कर रहे हैं ना, जिस जीत की आप बात कर रहे हैं ना, ये वैसी ही जीत है जो एक फैसला आने से पहले पटवारी जो मिठाइयाँ तकसीम करते थे ना, वैसी ही खुशी आज आपको नसीब हुई है। और ये एक आर्जी टेम्परेरी एक अबूरी कस्टडी जो जिसे अदालत ने उस लड़की को अपने वालदैन के पास भेजा है। लेकिन आज मैं आपको ये भी बताऊं साथ साथ, क्योंकि मैं आपकी ना याददाश्त को बरकरार रखूंगा, बोलने नहीं दूंगा अभी। देखिए वैसे आज आपको मिर्चें लग रही हैं तो मैं नहीं छेड़ूंगा आपको। आज जनाब मेहदी साहब ने ना तो आज मैंने ना, असल में ना मैं आपको असल में जो मसला ये है ना, मैं वो आपको समझाता हूँ कि ठीक है ना, वो मैं आपको बताता हूँ कि आज हमारे मौकफ की एक बार फिर फतह हुई है। अगर आप लोगों में अकल हो ना, तमीज से आप पहले बात करते ना, अगर जितनी आपकी अकल टूटी है ना, आज आपकी तौन का सरिया टूटा है ना, आज पहले आप बात करते थे लोग आपकी बात। अगर आप लोगों को अकल हो तो आपको समझ आए, आप बेवकूफ जाहिल हैं, ठीक है ना, आप लोगों को अकल नहीं है। बाट साहब मुझे बताएं, नंगे हुए आपके ग्रुप एक दूसरे को कुत्तों की तरह काट रहे हैं, कोई गद्दार है तो कोई पता नहीं क्या है। मुझे ये बताएं अगर आप लोग ना सच्चे नहीं है, ठीक है ना, शोर ज्यादा ऊंचा मुझे भी करना आता है, ठीक है ना, मैं भी चिल्ला सकता हूँ, आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूँ, लेकिन क्या है, चिल्लाने से शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, बात लोगों को सुनाएं समझाएं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आज जो लड़की आज वालदैन के पास गई है वो कहां गई है? अपने वालदैन के पास गई है, जहां पे उसकी पैदाइश हुई है वहां पे। मैं आपको बताता हूं 16 अप्रैल तक वो लड़की कहां पे थी? जलील के पास थी। आप लोगों ने उसको अगवा किया। 16 अप्रैल तक वो लड़की कहां थी? आपको तो ये नहीं पता कि 16 अप्रैल कब हुई थी कब नहीं हुई थी। 16 अप्रैल तक वो लड़की अपने उसी वालदैन के घर में थी, उसी एक कमरे के जो उसकी जो जिंदगी थी ना। उसी दिन आप लोगों ने उसका गायब किया था ना 16 अप्रैल को, वो आपके गिनोने गैंग के हाथों चढ़ गई। मेरी बात सुने, मैं आपको उस गैंग की तरफ भी लेके जाऊंगा, ठीक है ना, जो गैंग आप कहते हैं ना, इस गैंग का जो आपका जो मौकफ है ना, आज उसकी मैंने बत्ती बना के जो कराची में आपको है ना उसका। अभी कराची की बात नाज़रीन मैं आपको ये भी बता दूं, हमने सिर्फ एक लाइव सेशन में कहा था कि एडी जाफरी साहब ने कि एडी और सूरी कराची के लिए रवाना हो चुके हैं। यकीन करें, मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि इस खबर के बाद इनके ग्रुप के लोगों की पैंटें गीली हो गई थी, वो लोग घूम रहे थे कि कहां पर हैं। कल मैंने जब एक व्लॉग लगाया कि मैं कराची प्रेस क्लब में मौजूद हूं, इन लोगों को अकल नहीं थी कि हम क्रोमा पर क्या नई टेक्नोलॉजी आ गई है। हमारे कराची पहुंचने के बाद अब तो हम अल्हम्दुलिल्लाह से लाहौर बैठे, आप मेरे ऑफिस में बैठे हैं, वो इन लोगों की इतनी ज्यादा परेशानी बढ़ चुकी थी कि यार पता नहीं क्या है। इनका वो शेरवानी वाला वकील तो कह रहा था हम मीडिया कवरेज नहीं करने देंगे, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी तरबियत नहीं है, और जिनके सामने खड़े होकर बता रहा था असल में
वही लोग, उनको ही तरबियत नहीं थी। हम तो अपने ऑफिस में लाहौर में बैठे हैं। बाट साहब अब मैं आपको ये बताऊं, असल असल तो उसी के पास है। मेरा सवाल था जो पूछे, आज आपको खुशी हुई है कि नहीं एक बेटी अपनी माँ को मिली, खुशी है? मेरी बात सुने, मेरी बात खुशी बात, इसका सवाल का जवाब पहले बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे भी? हमें अल्हम्दुलिल्लाह से खुशी है कि बिना मुंह से मैं बता, सुने तो सही ना, आप इतने बेताबले क्यों हो जाते हैं ना? जब आपको अकलमंदी वाली बात बताओ ना तो आप लोग ना फौरी माइक अपनी तरफ ले जाते हैं, ठीक है ना? लेकिन मैं आपको अब आप जो मर्जी कर लें, आपकी ये चाल भी नहीं मैं कामयाब होने दूंगा। बेटियां जब ब्याही जाती हैं तो कहां जाती हैं? मुझे बताए ना इस सवाल का जवाब दे, बेटी जब ब्याही जाती है, जब बेटी का निकाह हो जाता है तो वो कहां जाती है? अपनी माँ की तरफ ही होती है ना, में जाती है ना, मैके जाती है कि नहीं जाती? या जनाब क्यों नहीं जाती? क्योंकि हमारी माएँ बहनें बेटियां तो मैके जाती हैं, ये तो आप लोगों को पता होगा। बेटी मैके गई है, हम तो वो समझ, मेरी बात सुने ना, मैके गई है, मैके गई है। अदालत ने आज का फैसला पढ़ा आपने? आरजी तो बच्ची को खुद मान गया, ये जो सस्ता सा एंकर है ना, खुद मान गया, ठीक है ना? मैं आपको ये बता दूं, अब ये कहते ना बच्ची को आप 24 घंटे के लिए अपने घर रख ले, अच्छा मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरे मामा के पास जाना है, आपका होगी ना, होगी होता मेरी मेरी मान लिया कि आरजी से स्टडी हुई है, आरजी होगी है। आप मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने ना, ओ भाई मेरी गल सुन, कुड़ी गई है अपने मैके, ठीक है ना? ते मैके आरजी तौर ते जांदे ने, ओ मैके, ओ कुड़ी अपनी मां दे घर, नहीं नहीं, हमारी हमारी जो होती है ना माई बहनें जिनकी शादियां हो जाए ना, ठीक है ना, वो अपने मैके जाती हैं, ठीक है ना? अच्छा तू मैनू है सवाल का जवाब दे कि अज दे फैसले जिदी तुसी खुशी मना रहे हो, ठीक है ना, उस फैसले दे चो उस कुड़ी ने सिर्फ यही बयान किया कि जी मैं अपने वालदियां दे नाल जाना चाहना, यही किया? उन्हें यह क्यों नहीं किया कि मैनू जहीर ने जबरदस्ती निकाह किया, मैं जहीर दे नाल नहीं रहना, मैनू अगवा किया, मैनू तशद्दुद कर दे रहे, मेरा रेप होया, गैंग रेप होया, हर चीज हुई, क्यों नहीं किया? मैं सरकार पहले दिन तो यही कह रहे हो कि लड़की अपने माँ बाप को खुश नहीं है, पहला सवाल का जवाब देता है, सवाल का जवाब दे देना क्यों नहीं किया? इंशाल्लाह जरूरत इतनी तो है नहीं कि उस बच्चे के अगे माए कहना करके जहीर कैसे हो, असि अल्हम्दुलिल्लाह साडा मुंडा अजे भी उत्थे बब्बर शेर है, बहुत सारिया भैन मरदिया गया ने, ओने तो निकाह किया है, कोई गल बात नहीं है, अज बर्दाश्त नहीं, मलिक जी कहें इतने बैठा है, ठीक है ना? करना वा जहीर ने कहा कि जी जो भी उन्हें दुआ ने कहा, ठीक है ना, मैनू मंजूर है क्योंकि वो मेरे नाल मुहब्बत करती है, मैं उहदे नाल मुहब्बत करना, और यह फैसला मेरी बीवी का फैसला है, ठीक है ना? ए मैनू किसी किस्म का कोई ऐसा नहीं होगा जी मेरे तो कोई पहाड़ गिर गया, कोई जहीर को गिरफ्तार नहीं किसी ने कर लिता भी, जहीर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बच्ची अपने वालदैन के को जाए, खुश रहे, आबाद रहे। मैं तुम्हें व्हाट्सएप यह भी पेशेंगी जोड़ा तुम आगाह कर देना वा कि पहले तो बरात नहीं सी गई, जे अगर बरात नहीं ले जाना चाहते, अगर उन्होंने कोल एडे रिसोर्स नहीं कि सानू खाना खिला सकन, साड़ी बरात का इस्तकबाल कर सकन, असी ट्रैवलिंग का तो असी खर्चा ताड़ा मुंह है बरात वाला, खाना भी खुद ही खावे, असी खाना भी खुद ही खावे। लेकिन बट साहब मैं हूँ तुम दस दवा आखिरी जवाब, तो ठीक है ना तुहाडे सवाल का, कि जहीर दी आलिया अपने मैके गई है। एडी साहब फिलहाल जनाबे आला तुसी सबर पढ़ो, तो शुक्र करो, तो दुआ मंगो कि तुहाडे जहीर की जान छुट जाए, क्योंकि अज कुड़ी ने यह क्या, अज माशाल्लाह साडी बेटी ने यह क्या, मैं अपने वालदेन के पास मैंने जाना है, कल को उसने सबकी मंजी ठोकनी है, आपकी जो फिर आप जैसे जल्दी साफ होगी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਮੰਜੀ ਦਾ ਪਾਵਾ ਕਿਹੜਾ ਟਕਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਟਕਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਲਿਆਜ਼ਾ ਛੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 100 ਸੁਨਾਰ ਕੀ ਔਰ ਇੱਕ ਲੋਹਾਰ ਕੀ, ਮਹਿਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮਾਂ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ,
एडी हाजे भी तू खुदा रख शर्म कर हाजे भी तू लोगों को गाइड कर रहा है कि मेके गई है मेके के नहीं गई है और किथे गई है और चलो मेके गई है मेके गई ओनु ते ओनु भी नाल ले जाना सी ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਐਡੀ ਤੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਬਸ ਲੈ ਜਾਓ ਔਕਾਤ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਜਾ ਔਕਾਤ ਔਕਾਤ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਗੇ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਓਏ ਐਡੀ ਔਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਪਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕੋ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਸੀਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਤੁਸੀਂ मुझे ये पहले इंटरव्यू यही पूछा है कि आज दुआ आपने घर गई है उनके वालदैन को खुशखबरी दे इनकी औकात नहीं है कि उनको मुबारकबाद दे सके मैं तो भाई साहब कल भी क्या मुबारक हो आपने भी मुबारक देने आना है ठीक है ना अब आपने भी आएगी तल मुबारक आप फिर मुबारकबाद भी फिलहाल इंतजाम करो कि लोड़ो कोई दे उनको शायद ताकि किला सेट हो जी नाज़रीन इसके साथ ही मुझे जा दें जी अल्लाह।